देखो जानो जाने दो, मुझे देखना है तो मात्र वक्तांबर स्त्रोत को, मुझे जानना है वक्तांबर स्त्रोत को और जाने दो। किसी ने कुछ कह दिया, जाने दो। देखो तीन वर्ड याद करना, एक्स वाई जेड, जाने दो। कौन था, किसने क्या कहा था, नाम क्या था, नहीं पता। मुझे पता एक्स वाई जेड था। कौन आया, एक्स वाई जेड। कौन गया, एक्स वाई जेड। जाने दो, यदि गुण है तो आने दो, यदि दोष है तो एक्स वाई जेड करके जाने दो। वह मेरा नहीं है, वह मेरा नहीं था, वह मेरा नहीं होगा। मुझे तो गुणों को आगमन करना है, मुझे तो गुणों को निमंत्रण देना है। स्वागतम सुस्वागतम, किसका, गुणों का। आप व्यक्ति को बुलाते हैं वेलकम, आइए, स्वागत है, सुस्वागत है, आप आइए चल करके। लेकिन हमारे प्रभु ने बुलाया है, बुलाया नहीं है, आपने बुलाया है, बुलाया नहीं है, उन्होंने बुलाया है, बुलाया नहीं है। किसको, गुणों को। जिसने गुणों को बुलाया है वह गुणवान बन गया, और जिसने गुणों को भुलाया है, समझ जाओ क्या बन गया, वो अवगुणी बन गया। इसलिए आज ये गुणवान का काव्य गुणी बनाने वाला है, हमारे प्रभु में विद्यमान है, और अनंतानंत अवगुण हमारे अंदर में विद्यमान है। यदि हम अनंतानंत गुणों में से एक भी गुण प्राप्त कर लेंगे तब भी हमारा भला हो जाएगा। भला होगा तो लाभ तो मिलेगा। देखो भला, भला का उल्टा कर दो तो लाभ होता है, और लाभ को उल्टा कर दो तो भला होता है। भला करना है कि लाभ चाहिए, भला करना है। भले तो हो, भला करने आए हो तो आज चैर भवन कहते भक्तांबर स्त्रोत का लाभ लो। यदि भले व्यक्ति भला करना चाहते तो उनके लिए चाहिए कि वो भक्तांबर स्त्रोत का लाभ लें। उस 27 नंबर काव्य का स्मरण करें, क्योंकि मैं भला चाहता हूँ, मैं भला चाहता हूँ, मैं लाभ चाहता हूँ, मैं हानि नहीं चाहता हूँ, मेरे जीवन में लाभ हो। किस चीज का लाभ हो, मात्र एक गुण प्राप्त कर लीजिए। चाहते हो एक गुण को प्राप्त करना, दो गुण की बात नहीं करेंगे, तीन की नहीं करेंगे, अनंत अनंत की बात नहीं करेंगे। जब उनको देखते हैं तो उनके पास तो वो असंख्यात गुण हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो आपके पास बहुत, इतना सारा धन है, इतना सारा वैभव कि उसके हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आपके धन की, आपकी प्रॉपर्टी की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने परमात्मा को देखते हैं, लेकिन परमात्मा के गुणों को हम गिन नहीं सकते। वह सामर्थ हमारे अंदर में नहीं है, वह शक्ति हमारे अंदर में नहीं कि हम उनके संपूर्ण गुणों की चर्चा आपसे कर सकें। लेकिन हाँ, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ, इतना शास्त्रों में पढ़ा है, यदि परमात्मा के अंदर का एक भी गुण अपने अंदर में ले आएंगे तो जरूर हमारा भला हो जाएगा,
अभी तक हमने परमात्मा के अंदर के एक भी गुण अपने अंदर में नहीं लाए, जिस कारण से हम और आप संसार समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, ये कोई ओनियों में भ्रमण कर रहे हैं। संसार में भ्रमण करने का एक ही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। वह कारण है, मैंने परमात्मा के अंदर का एक भी गुण अपने अंदर में प्रकट नहीं किया। देखो क्या परमात्मा का गुण आपके अंदर में आ सकता है? नहीं आ सकता। यदि परमात्मा का गुण आपके अंदर में आ जाएगा तो परमात्मा निर्गुण हो जाएंगे। परमात्मा का गुण नहीं आ सकता है। जो परमात्मा के अंदर गुण है, उस गुण को देख करके हम उस गुण को अपने अंदर में प्रकट कर सकते हैं, पर उनका गुण हम अपने ले नहीं सकते और उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपको दे दें। हम सोचते हैं कि हमें परमात्मा ने ये दिया, तुम्हारे अंदर में शक्ति है, तुम्हारे अंदर में सामर्थ्य है, तू चाहो तो प्रकट कर लो। देखो जल जल कुएं से प्राप्त होता है, जल कुएं से प्राप्त होता है कि मिट्टी हटाने से कुआं बनता है? कुआं था क्या? मिट्टी हटाई है तो कुआं प्रकट हो गया। जब कुआं नीचे गहराई तक तलभाग तक मिट्टी हटी तो जल भी प्रकट हो गया। इसी तरह आपके अंदर में गुण हैं, गुण हैं, पर वे गुण प्रकट नहीं हुए। आपने क्या किया है? दोषों का आवरण उस पर डाल रखा है, दोषों की मिट्टी आपके गुणों पर डली हुई है, दोषों का पर्दा गुणों पर पड़ा हुआ है। जब तक कि वह पर्दा वह आवरण नहीं हटाओगे तब तक गुण प्रकट होने वाले नहीं हैं। परमात्मा के अंदर गुण थे, हैं, रहेंगे। आपके अंदर गुण थे, हैं, रहेंगे, लेकिन तुम्हें प्रकट करना होगी। जब तक प्रकट नहीं करोगे, मात्र कहते रहो मुझे कुछ नहीं आता, मैं अवगुणी हूं, मैं अवगुणी हूं, मैं अवगुणी हूं, बस गाना गाने से काम नहीं चलेगा। मैं अवगुणी हूं, मैं अवगुणी हूं, मैं अवगुणी, मात्र इतने से काम चलने वाला नहीं है। और कहते रहो मैं गुणी हूं, मैं गुणी हूं, मैं गुणी हूं, इतने से गुणवान नहीं होते। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जब तक उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, देखो व्यक्ति ने बर्तन को मांजा है, देखो बर्तन साफ करना है, बर्तन को मांजते हैं, समझते हो? बर्तन को साफ करते हैं, बर्तन क्या होता है? चमकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति बर्तन को मांजता है और बड़ा खुश होता है, देखो मेरा बर्तन चमकने लगा, चमकने लगा, देखो इस बर्तन में मेरा चेहरा दिख रहा, मेरा चेहरा दिख रहा। और इसी तरह ये हमारा है, हम नर्तन को प्रतिदिन मांजते मांजते हैं, लेकिन उस नर्तन में अंदर का चेहरा प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो वो बर्तन था कि उसमें आपका प्रतिबिंब झलक रहा था। और नर्तन को मांजने वालों, नर्तन को धोने वालों, आपके अंदर का चेहरा उसमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यहां तो नर्तन को मांजने की प्रक्रिया चल रही है, देह को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। आज 27वां दिन है, आप प्रतिदिन अपने नर्तन को साफ कर रहे हैं, इस मनुष्य देह को साफ कर रहे हैं, आप इसकी परतें हटा रहे हैं। आज तक तो आपकी 27 परतें हट गई होंगी, आज तो आपका स्वरूप प्रकट हो गया होगा, क्योंकि आज गुणों की चर्चा है। यहां पर दोषों की चर्चा नहीं, यहां पर गुणों की चर्चा है। तो गुणों को जानने के लिए
मात्र देह को साफ नहीं करना है, देह को साफ करते करते अंदर को भी, निज देही को भी साफ करना है। उस देही को साफ करोगे तो लाभ होगा, उस देही को साफ करोगे तो भला होगा। क्योंकि पहले कहा है पुनः कह रहे, तुम भले हो, भले हो मतलब पुण्यात्मा हो, भले हो, भला करने आए हो, भक्तामृत को पकड़ लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हें लाभ मिल जाएगा। तीन भा है, भले, भला, भक्तामृत। भक्तामृत भले का भला करता है, और भला होगा तो लाभ होगा भक्तामृत से, श्रद्धान होगा यदि तुम्हारा। तो देखो प्रभु कहते हैं, देखो देखो मुझे। जैसे आपको मालूम है एक एक्टर था, एक एक्टर था, उसने एक मूवी बनाई, और उसने मूवी बनाई तो 1 करोड़ रुपए लिए, और एक एटर्नी थी उसने 50 लाख रुपए लिए। देखो उसने मूवी बनाई, उसने सीरियल बनाया, उसने पैसा लिया, ठीक है। आपने देखा सीरियल, आपने घर में सीरियल देखा, अब बताओ आपको क्या लगा, उसे तो पैसे मिले, आपका क्या लगा बताइए? समय तो लगा, और क्या लगा? और कुछ नहीं लगा। लाइट का बिल नहीं आया, लाइट का बिल नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया? और क्या हुआ? केबल का बिल आया, और क्या हुआ? बस मेरा व्यवहार में इतना ही ध्यान जाएगा। मैं यही तो जानना चाह रही हूं, तुम्हारी दृष्टि है कहां अभी मुकेश जी? मैं यही जानना चाह रही हूं कि मैं टीवी देखूंगा, मैं मूवी सीरियल देखूंगा, तो मेरे पास मेरी हानि क्या होगी? बिल आएगा। सिर्फ मेरी दृष्टि में इतना ही है कि बिल आएगा, वस्तु तो ये नहीं कि उससे जो कर्म बंद होगा उससे 84 लाख बिल भी मिल सकते हैं। उस बिल पर चर्चा तो है, उस बिल पर चर्चा तो है, वह बिल तो तुम चुका लोगे, 1 दिन में 1 मिनट में चुका सकते हो। यदि उस सीरियल को देख करके तुमने यदि किसी बिल को बांध लिया, नरक में 84 लाख बिल हैं, यदि उस 7 पृथ्वियों में से 1 पृथ्वी का भी तुमने बंद कर लिया, तो समझ जाओ 33 सागर तक की यात्रा तुम बंद जाएगी। इसलिए मात्र बाहर को मत देखो, क्योंकि सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, किस उद्देश्य से देखी जा रही है, किस दृष्टि से देखी जा रही हो, क्या देखा जा रहा है, उससे कर्म बंद होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ, बंद तो होता है, आश्रव भी होता है, बंद भी होता है, कब होता है? कभी भी। लोग सोचते हैं कि मुझे जीवन के त्रिभाग में आयु का बंद होगा। लोगों की एक धारणा पड़ी हुई है कि जीवन के त्रिभाग में आयु का बंद होता है, उसके पहले नहीं होता। देखो मुझे ये बता दो, पहले आपकी आयु है कितनी? आपने कहा त्रिभाग में बंद होता है, मैंने स्वीकार किया, मैं स्वीकार करती हूं कि यह त्रिभाग में बंद होता है, तो पहले मुझे यह बताइए कि आपकी आयु है कितनी, जो आप त्रिभाग समझ रहे कि मेरा अभी त्रिभाग नहीं आया। मुझे मालूम ही नहीं है, जब तक मुझे आयु मालूम नहीं है तो त्रिभाग का मालूम कैसे चलेगा? इसलिए आचार्य भवन कहते प्रति समय प्रति क्षण सावधान रहो, जागृत रहो, सोते मत रहो। टीवी देखना,
जागते हुए पर भी सोना है। मोबाइल चलाना जागते हुए पर भी सोना है, क्योंकि उस मोबाइल में आप देख क्या रहे हो। यदि आप प्रवचन सुन रहे हो, कोई शिक्षा प्रद कार्य देख रहे हो, जीवन के उत्कर्ष का, जीवन के नवनिर्माण के कार्य सीख रहे हो, जिससे पुण्य का संचय है, तब तो ठीक है। और यदि जीवन के अपकर्ष का प्रोग्राम देख रहे हो, जीवन के नवनिर्माण का नहीं, जीवन की हिरास का कार्य देख रहे हो, तो समझिए यदि बंद होगा तो क्या होगा। सिर्फ बिल ही नहीं मिलेगा, बिल इतना बड़ा बिल मिलेगा, समझ जाना कितना बड़ा बिल मिलेगा। अब है तुम्हारे ऊपर। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, वहाँ पर देखा तो बिलों में जाने का बंद किया, और एक बार यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक सीरियल देख लो। वो सीरियल है परमात्मा में अनंतानंत गुण है, उस अनंतानंत गुणों में से एक गुण की ओर दृष्टि डाल लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। हम गारंटी से कहते, लिख करके दे सकते हैं, 100% तुम्हारा भला होगा। तुम देखो वो गुण तुम्हें दिखता कि नहीं, नहीं दिखा, कोई बता पाएगा कि वो गुण है कौन सा? मैं बता दूं, एक गुण बस प्राप्त कर लो, सिद्धि हो जाएगी। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्ट सिण तिणी पाड़म, सिच्छन्ति चेरी भट्टा, दंसण भट्टा न सिच्छन्ति। कुंद कुंद स्वामी की ये गाथा है। यह गाथा दर्शन पाहुड़ में भी है, यह गाथा बारिशाणु विख्या में भी है, यह गाथा चारित्र पाहुड़ में भी है, यह गाथा बट्टिकीर स्वामी ने भगवती आराधना में दी। इतनी पेटेंट गाथा है, जैसे ना कोई भी वस्तु सभी जगह यूज हो जाती है, इसी तरह ये इतनी पेटेंट गाथा है। इस गाथा में वह गुण भरा हुआ है जिन गुणों की चर्चा आज हम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले दर्शन गुण ले लो, बस। दूसरा गुण नहीं चाहिए मुझे, ज्ञान गुण नहीं चाहिए, नहीं भी होगा ज्ञान, ज्ञान गुण नहीं होगा तो भी काम चलेगा, चारित्र गुण नहीं होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन यदि दर्शन गुण चला जाएगा तो सिद्धि नहीं होगी।